ली कोई बुक अभी यार ली दे दो। आप दे के जाऊंगी कल दोबारा से आ जाऊंगी। इलेवन ट्वेल्थ की दोनों की होंगी। बिना बुक करे तो प्रॉब्लम रहती है काम यस सर क्वेश्चन नहीं हो पा रही है। कहाँ से कुछ क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है थोड़ा रिडंडेंट हो जाता है। आज लेके जाऊंगी कल तो बारिश का मौसम है। नाम क्या है तुम्हारा? खुशी कंप्लीमेंट ऑफिस एड्रेस होने में आ गया तो यस सर। सपोज करो एक हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, ठीक है। सेट ए बराबर अगर हम लेते हैं 1 2, ठीक। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट जब सेट ए बराबर 1 2 3 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए का? ये हमारा होगा 4 5 और क्लियर। और इसका फिर कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना क्या आएगा? क्या जाएगा? यही था ना, ये सेम है ना। इसलिए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेम अपना वही सेट आ जाता है, ठीक है। एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इटसेल्फ। यूनियन सेट तो यही है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 और एक सेट ए बराबर है इक्वल टू है 2 एंड 3, बी बराबर है 3 4 और, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या करना है हमें? ए डैश एक फाइंड करना है, बी डैश एक फाइंड करना है हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और एक फाइंड करना है हमें ए यूनियन बी, ठीक है। क्लियर? तब ये कह रहा है सो दैट क्या दिखाना है हमें? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ओके, ये हमें दिख रहा है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए डैश। ए डैश कितना होगा? 1456 इसके सापेक्ष में 1456 1 4 5 और क्लियर है। बी डैश क्या होगा? 1 2 6 1 2 6 ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 6 6 ठीक है। इसी के साथ ए यूनियन बी क्या होगा? दोनों के एलिमेंट 2 3 4 और ये होगा ना। अब इसका फिर अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, उसका निकाल ले, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल ले क्या आएगा? 1 6 आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का 1 और 6 आएगा। बोल दिया ना बोलो। ठीक है, राइट हैंड दोनों की साइड है इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है। ऐसे एक दूसरे को और होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन दिखाई। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये तो क्वेश्चन है, ये वाली प्रूव करने की, ये प्रूव करने की थ्योरम है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? ये आगे डायरेक्ट यूज होगी रिजल्ट में। ठीक है, मान लिया बहुत सी चीजें हैं, अब हमको सीधे लर्न करना है इसका जो होता है कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ थी? अब हमने यहाँ ट्राई करना देख लिया, पहले अब हम श्योर हो गए हाँ जी अब करो, तो ये आपके लर्न होगा। यहाँ यूनियन है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बन जाएगा अलग अलग दोनों का, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है दोनों अलग अलग यूनियन बन जाएगा। ये तो मैंने वैसे आपका किया है, अब थोड़ा एक दूसरे तरीके से और देख लेता है इसको। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए यूनियन बी कौन सा होगा? अंदर का होगा तो इसका और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा सारा? यानी कि जिसका मैंने लाइन ड्रॉ की है ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा? ए यूनियन बी का यही होगा ना। ये ए है और ये बी है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ए का कॉम्प्लीमेंट ये है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें बी का, बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? बी को छोड़ कर ये हो गया। अब बात आती है कि दोनों में कॉमन कौन सा है? इंटरसेक्शन भी डालना ना, दोनों में एक कॉमन, जहाँ लाइन है दूसरे को काट रही वो सारा कॉमन हिस्सा होगा। इसके अंदर देख रहे सिंगल लाइन है, इसके अंदर भी क्या है? सिंगल लाइन है, बाकी डबल कहाँ है? बार ही है। और यहाँ भी क्या निकला था? ये बार वाला हिस्सा निकला, तो दोनों इक्वल है। ये आपका बैंड है, यानी कि हमारा होगा ए कॉम्प्लीमेंट
जिससे बाय पेन डायग्राम बनते हैं। ये चीज से सेट में कभी भी कोई चीज आई थी एक्चुअल में ये इसके इक्वल है या नहीं है तो आप कैसे देख लेंगे हम वेन डायग्राम बना के। अगर कोई एलिमेंट के अंदर इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर है इसका मतलब क्या हुआ एक्स जो है ए यूनियन बी में नहीं होगा। होने का ही ना अगर कोई एलिमेंट किसी के कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में तो नहीं होने का वो ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्स ना तो ए में है एंड एक्स ना ही क्लियर है। इसको मैं फिर लिख सकते हैं जब एक्स ए में नहीं है तो एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा बिल्कुल होगा एंड एक्स बिलोंग टू ऐसा नहीं ना बोलना करो एक्स बिलोंग टू इसको या तो बोल दो आप इज एन एलिमेंट ऑफ या इज बिलोंग दोनों में से एक वर्ड यूज करना है क्लियर एक्स या तो ए डैश में होगा एंड इसमें अब जब इसका मतलब है तो एक्स बिलोंग टू बी डैश यहाँ पे हाँ ये बी डैश ठीक है दोनों का मतलब क्या हुआ एक्स बिलोंग टू ए डैश एंड जब दोनों में है ना एंड हमेशा ध्यान रखना सेट में जब यूज करेंगे जब एंड की बात होगी तो साइन इंटरसेक्शन चलेगा और जब और की बात होगी तो चक्कर यूनियन ठीक है क्योंकि यूनियन के लिए आपने पढ़ा है कि दोनों एलिमेंट दोनों सेट में से किसी आइदर और पढ़ाना आपने आइदर ए और बी जबकि इंटरसेक्शन के लिए बहुत मुश्किल है तो एंड जब आएगा एंड का मतलब ये होता है तो ये क्या साइड है इसकी कोई राइट एंड साइड ठीक है आपको न्यूमेरिकल से बता दिया वेन डायग्राम से बता दिया और जो थ्योरम टाइप होता है उस तरह से बता दिया बल्कि 11 12th में ये चीजें भी पढ़ लेनी पड़ती यस सर इधर क्लास कितनी देर पहले शुरू हुई सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट है सम प्रॉपर्टी सर क्या मैं किसी के लेक्चर नहीं होती डेली सेट
मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे पता है, मतलब केमिस्ट्री के कभी फिजिक्स का होगा कभी केमिस्ट्री का, इसलिए चला ये नहीं तीन लोगों लेक्चर के इकट्ठे होने नहीं, दो दो लेक्चर चल रहे हैं जैसे एक हफ्ता फिजिक्स और मैं या बायो का और एक हफ्ता नहीं बायो क्या मतलब बायो तो अच्छी नहीं थी, बायो थोड़ी अच्छी मतलब इनका जो इनकी क्लास है ये तो हमारी क्लास आई आई टी वालों की, मतलब एक हफ्ता तो फिजिक्स और मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी चले जहाँ तक मुझे पता है टाइम टेबल जो है मैथ के लेक्चर के साथ 85 का आपका 80 है 85 है और सर फिजिक्स केमिस्ट्री के 60-60 का आपका है फिजिक्स फिजिक्स के साथ 60 का फिजिक्स का तो भी है और कम तौर पर कॉम्प्लीमेंट बैठ के क्या है सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा ठीक है कॉमन तो नहीं होगा ना कोई है इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का ठीक है। तीसरा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एट ठीक है। एक लॉ है लॉ ऑफ इंप्लीसिट एंड यूनिवर्सल सेट क्या है, लॉ ऑफ इंप्लीमेंट सेट क्या है, वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यू और आपका यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ठीक लिखना कोई सा यस सर। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यूनियन
परफेक्शन। ठीक है भाई, क्या है पहले डायग्राम अगर हम यहाँ देख लें, ये सेट ये है और ये सेट, ठीक मुझे बीच का हिस्सा होगा, क्या होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, और जो इतना हिस्सा है आप ये क्या है ये माइनस, इधर का इसी तरह जितना भी हिस्सा है ये आपको माइनस, क्लियर, ये तो सेट है। अब यहाँ पे कुछ एक तरह से रिजल्ट है फोरम का एलोन है, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे हम नंबर ओ एलिमेंट, टैन की बात करेंगे, क्लियर। इसके लिए अब ये है देखो सिंपल बात है, अगर यहाँ पे नंबर ओ एलिमेंट एन ए इंटरसेक्शन बी, यही इफ नंबर ओ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव आ रहा, क्या रहा यहाँ पे तो जीरो आएगा, यानी कि मान लो आप अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या रहा है, ठीक है, यानी कि इनमें कोई एलिमेंट बीच में नहीं है, और मैं कहूँ कि नंबर ओ एलिमेंट ओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, सीधे इतने हो जाएंगे ना, जितने ए और प्लस बी दोनों में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब यदि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाए फिर कितना हो? क्या क्या फॉर्मूला देखते हैं कैसे होता है, वो जो आपने बताया वो फार्मूला सही बात है, फार्मूला वही बनेगा, लेकिन हम देखते हैं पंक्ति कैसे। नंबर हो ए एन ए यूनियन, हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ओ ए माइनस बी, ठीक, नंबर ओ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ओ बी माइनस, लिख सकते हैं नहीं तो, यानी कि जो सारे में है पहले तो मैं दोनों के फॉर्म में कह दिया था, अगर इसमें कॉमन नहीं है, अब क्या अगर कॉमन नहीं है इस पार्ट की अलग बात की, इसकी अलग बात की, इसकी अलग बात, तीनों को हम ऐड कर सकते हैं नहीं, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं इसमें, इसमें नंबर हो ए इंटरसेक्शन बी तो हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, और यही हमने इसमें से माइनस, ठीक है, इस वाली टर्म को हमने ये किया, क्योंकि हम मैथ में क्या है वैसे यही करते आए अब तक और किया गया। अब अगर हम देखते हैं ये वाली टर्म अलग देखते और ये वाली टर्म आपको अलग देखते, एन ए माइनस बी ये वाला हिस्सा और ये कॉमन का हिस्सा क्या है ये, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है, तो बचा क्या है माइनस एन ए इंटरसेक्शन, इसका इक्वल था ये ए
जैसे मैंने प्रूफ कराया सही लिख लो, क्योंकि अगर आप बुक्स में देखोगे तो कुछ दिनों बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने इसका एक्चुअल में किया क्या, क्योंकि इतने सिमिलर से नजर आते हैं समझ में नहीं आता। हेलो, ये तो आपके दो सेट्स के लिए है, ठीक है। अगर सेट हमारे तीन कितने हो, क्योंकि ये फार्मूला आपके प्रोबेबिलिटी में भी यूज आएंगे। ये
नंबर ओ ए, नंबर ओ पहले दो का इंटरसेक्शन, बाद में दो का इंटरसेक्शन, पहले और तीसरे का इंटरसेक्शन और अलग का अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर इसको सिंगल मान ले, मान ले डी मान लिया, नंबर ऑफ ए यूनियन डी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ डी माइनस नंबर ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा। इनके साथ तो कुछ चेक कर अभी कर देंगे, लेकिन उसको देख लेते हैं बात को। नाउ नंबर ओ ए आप इसको ब्रैकेट का निकाल दो, अंदर का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या हम यहाँ पे कोई नियम लगा सकते हैं? अगर यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगाएं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाने पे क्या बनेगा? ये ए बोलो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। अब नाउ वहां क्या लगाओ उससे पहले एन, तो नंबर ओ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ओ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये हो जाएगा ना, ठीक है। इसको मैं अगर ई मान लू, इसको मैं इतने को एफ मान लू, तो नंबर हो ई यूनियन एफ कितना होता है, अभी पहले शुरू करके आया, क्या होता है वो नंबर हो ई आएगा पहले, तो फिर क्या आएगा नंबर हो एफ आ जाएंगे, फिर क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, यूनियन निकाल ले, लास्ट में इंटरसेक्शन आएगा दोनों का, यस सर, हाँ ये इंटरसेक्शन है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन फिर क्या आएगा सी, पहले में सी है दूसरे का हाँ, ठीक है, ए बी सी ए बी ए सी आ गया,
तो रिपीट ए हो रहा, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, कितने बार लिख देंगे सिर्फ उसको, एक बार। ठीक है। अब ये देखो आप, इतना कम हो गया इसका, इसकी वैल्यू है सारी ये एन ए की वैल्यू है, इसकी जगह रख दे जाएगा एन ए, इसका इंतजाम करते एन नंबर ऑफ बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, एन बी प्लस सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू रखी सिर्फ माइनस, क्या आएगा ये एन ए इंटरसेक्शन माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके इक्वल था ये एन ए इसके पहले पास कर एग्जाम में तो कहीं ये तो आना नहीं कि प्रूफ आएगा इसका, तो आना नहीं प्रूफ को, ठीक है, लेकिन इसका यूज जरूर होगा इस फॉर्मूले का, बता इसलिए दिया ताकि थोड़ी दिमाग की एक्सरसाइज होगा, क्योंकि हम जिस फॉर्मूले में वो ट्राई कर लेते हैं इससे कहीं ना कहीं हमें एक अपनापन लगने लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, काफी चीजें गिले होती है, लिखना है तो बस फिर जो है क्वेश्चन ही हैं, कुछ क्वेश्चन करा देंगे सेट आपको खत्म हो जाएगा।
इनकी जो है सर ड्राइव है ना घर पे, एक बार जरूर अपने हाथ से करके देख। आरटी शर्मा की बुक पता चली कल मैंने मैथ की, तो तुमको 1200 रुपये की बताया। सेकंड हैंड भी अगर वो नहीं 1200 की तो सेकंड हैंड पे 700-800 रुपये से कम नहीं देंगे। एक्चुअली क्या है कि जो नई बुक होती है वो MRP पे लगभग 10-20% को लेस खरीद देते हैं, ठीक है। तो पुरानी होगी, पुरानी पे कितना लेस करें, 50% से ज़्यादा देते ये मान के चलो कितना की बुक है लगभग 600-700 रुपये ज़्यादा भी है। एक क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 50 एलिमेंट्स, एक्स हैज 20, एक्स में कितने हैं 20, वाई हैज 32, हाउ मैनी एलिमेंट डज हैव एक्स इंटरसेक्शन, निकाल लो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, दोबारा चेक करना, यहाँ पे जो आया इसकी वैल्यू 10 है। x intersection y number of
लिख सकते हैं जो इंटरसेक्शन में मेरा एलिमेंट मान लिया है के मान लिया अपनी तरफ ठीक है नंबर ऑफ एक्स माइनस ये एक्स माइनस फाइव में कितना एलिमेंट हो गया एक्स पर कितने 28 28 में से कितने को कर देंगे हम ये इसमें कितने हो गए के इसमें कितने हो गए 32 माइनस ठीक है टोटल कितने गए 50 ऐसे के कैंसिल जो भी आ गया ना 50 प्लस के 50 माइनस के ये बोल तो यार 50 माइनस यानी कि हमारी जो है एक तरह से इसमें थोड़ा मार ये भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हमने भी तीन किया था एक क्वेश्चन लिखो इन ए स्कूल क्वेश्चन लिखो ये इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स देयर आर 20 टीचर्स 20 हु टीच मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स 12 हां 12 टीच मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स हां टीच मैथमेटिक्स यस एंड 40 4 अपॉन यू आर वाला 40 और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 40 यानी कि 40 और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स हाउ मेनी थ्री फिजिक्स फिजिक्स तो पूछ रहा है
इसमें यही रखना, जैसे कि हमें किसकी क्या क्या चीज लिखनी पड़ती है, एक तो मान लिया ए में बी लिखना पड़ता है, और एक मान लिया ए इंटरसेक्शन यूनियन के लिए और वर्ड भी होगा और इंटरसेक्शन के लिए ए एंड आ जाएगा या बोथ आ जाएगा, दोनों चीज आ सकती है। ये चीज समझ में आ गई तो क्लियर हो, ठीक ऐसे ही होंगे सर। क्योंकि आगे मैं बताऊँ आपको, ये निकलता है प्रोबेबिलिटी में, वहां भी यही खेद है और एंड का। जैसे मान लिया दो बैग है, इसमें तीन बॉल रेड है, इसमें दो चार बॉल ब्लैक, ठीक है। दोनों बैग में से कोई एक बॉल निकालने की कितने प्रकार होंगे? दोनों दो बैग हैं, अब कुल कितने प्रकार होंगे? सबसे पहली कंडीशन तो ये आएगी, मतलब कितने तरीके से, मतलब एक तरह से कह लो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। दोनों बैग में से कोई एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले तो ये है कि बैग, किसी एक बैग को छाटने की प्रायिकता क्या होगी? एक बटा दो एंड, इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा? एंड। अब वो बॉल कहाँ से हो सकती है? इसमें से भी हो सकती है, थ्री सी वन, या किसमें से हो सकती है? फोर सी, ठीक है। यानी कि इन दोनों की इसमें गुणा हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ ऐड होंगे रिजल्ट। फॉर्मूला नहीं इसका यूज करेंगे हम जब आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फॉर्मूला नहीं है। इससे पहले तो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी। हंड्रेड वर्ड उनमें से 100 जो है क्या लेते हैं? एप्पल जूस। एप्पल जूस लेने वाले कितने हैं? 100 है। और 160 जो है लेते हैं ऑरेंज, क्या लेते हैं? एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। तो 75 क्या है? एप्पल और ऑरेंज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो यहाँ से क्या निकलवा ले कि कितने हैं जो दोनों लेते हैं, दोनों निकालेंगे। पूछता क्या है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज। नाइदर एप्पल और नॉर ही ऑरेंज, क्लियर है? निकाल के आ सकते थे इस फॉर्मूले से, आइदर एप्पल और ऑरेंज, यही निकाल सकते थे ना।
लेकिन इसने पूछ लिया ना इधर इस नाइदर का मतलब क्या है? नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। हाँ, इसका मतलब है नंबर ऑफ ऐसे नाइदर तो एप्पल एंड नॉर ए ऑरेंज। यही है। ठीक है, हमें निकालना क्या है इन दोनों का? क्लियर आएगा ना? देखो नंबर ओ अगर मैं इसे लिख देता ए इंटरसेक्शन ओ, ये तो हमें दिया हुआ। अगर वो पूछ लेता ये आइदर और, समझो आइदर और, तो हमें ये निकालते, ये सिंपली इस फॉर्मूले से निकलता। इसने पूछा नाइदर और, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है। आइदर और अगर हम लिखते हैं आइदर या, इसका मतलब क्या होगा? या तो ये या दोनों में से ये। जब हम लिखते हैं नाइदर नॉर, इसका मतलब क्या है? ना तो मैं तो ये और मैं तो ये, लेकिन इनके बीच में क्या लग रहा है? और यहाँ के बाद जो होती सिर्फ या आती है दोनों में से एक। यहाँ का मतलब दोनों पढ़ नहीं करना, नाइदर और नो। ये और आया तो मैंने क्या कहा था? एंड। और जब एंड आएगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इंटरसेक्शन। ये लैंग्वेज पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं पकड़ेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों में, ये लैंग्वेज ही खराब होगी।
एक फिल्म में यूनियन फाइंड आउट करना या इंटरेस्ट सेक्शन फॉर्म करना, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ यह फाइंड आउट करना, यस इक्वल है, ये क्या है, यू क्या है यहाँ पे टोटल टोटल हो गया ना, कितना ऐड होगा, ठीक है 400 एंड ए कितना है, 100 एंड ओ कितना है, 185 माइनस एन ए 75 258 हम सोचना में क्या रहेगा, 150 और पता 75 क्या आएगा, 240 नहीं कब बोल दी थी ना, एन ए यूनियन होगा उसकी वैल्यू बोले क्या उतार दे, 175 होता है ठीक है। इस क्वेश्चन को कम से कम दो बार ये लैंग्वेज पकड़नी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन है देयर आर to the
केमिकल थ्री टू केमिकल एंड 32 नंबर फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक्वल टू ये जो आपको क्वेश्चन करना है घर से करके लाना है। देयर आर 200 इंडिविजुअल, कितने हैं इंडिविजुअल 200, इस तरह से यूनिवर्सल सेट कितना हो गया 120 हैड बीन एक्सपोज टू द C1 एंड C1 कितना हो गया 120। ठीक है, नंबर ऑफ सीट तो क्या हो गया 30 बजा 50 एंड 32 बोथ द केमिकल क्या हो गया 30 हो गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, जिनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, केमिकल C1 बट नॉट C2 ये बोलो। कॉम्प्लीमेंट C1 का कॉम्प्लीमेंट केमिकल C1 मतलब सिर्फ C1 से तो कनेक्टेड है वो, लेकिन C2 से नहीं है। इसमें आप इस थ्योरम का सारा ले सकते हैं, ये C1 है, ये ठीक है, ये जो पार्ट है ये C1 माइनस C2 है और ये पार्ट क्या है, क्लियर। और हमें एक्चुअली मुझे निकालना है वो ये निकालना है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इस पार्ट का, इस वाले का, इस सारे का, इसका मतलब यही है कि C1 तो है लेकिन C2 वाला पार्ट नहीं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, C1 माइनस C2 कैसे लिखोगे आप इसे, क्योंकि C1 अगर सेट की बात करूं मैं
तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, सी वन माइनस सी टू सेट ए भी यूनियन सी वन इंटरसेक्शन सी टू लिख सकता हूँ, नहीं बता सकता ठीक है। अगर इसके साथ नंबर सी वन सी टू लगा दूंगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या जाएगा, सी वन माइनस सी टू प्लस नंबर ऑफ सी वन इंटरसेक्शन सी टू माइनस दोनों का डिफरेंस, नहीं माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, और यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन क्या है इनका, इसका और इसका इंटरसेक्शन जीरो है ना, तो फाई है ना क्योंकि डिसजॉइंट सेट है ये और इसी के साथ हो जाता है सी टू माइनस सी वन, ये भी और ये भी कैसे सेट है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ये निकल गई। क्या फाइंड आउट करना हमें, ये इसकी वैल्यू कितनी है सी वन की, इसकी वैल्यू कितनी है सी वन इंटरसेक्शन सी टू के अंदर बाल लिख दीजिए, ये है 30, तो 120 में से 30 लेस वो कितना जाएगा 90, तो 90 ऐसे हैं जो केमिकल सी वन बट नॉट सी टू, यानी कि केमिकल सी वन एंड सी टू का मतलब सी वन माइनस सी टू, और सेकंड वाला भी ऐसे केमिकल सी टू बट नॉट सी वन, इसमें क्या निकालना आपको सी टू माइनस सी वन, तो क्या पूछ रहा केमिकल सी वन और केमिकल सी टू, इसमें क्या निकलेगा सी वन यूनियन ये आई थिंक फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल जाएगा, क्लियर है। यस सर।